नमस्ते नमस्ते प्यारी साली, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे तू क्या कर रहा है साली? तो मेरी साली, तू तो बता रहा। दो ससुराल चल, सालियों में ले आऊंगा। क्या पेन ड्राइव बेटा, अपने जीजा जी के लिए नाश्ते वास्ते का प्रबंध कर, विदेशों में घूम के आए। अरे साली जी, कारण क्या है? पूरे वर्ल्ड में फेसबुक यूट्यूब सब चलाना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, और अब तो हम दोनों का जोड़ा भी बन गया। हम तो पूरे वर्ल्ड का ज्ञान लिए फिर है, समझ में आ गई ना? अब तुम उठो, चाय लाओ बना के। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। पहले वो जो कुल्फी खिलवा कर रहती, आज वो कुल्फी भी खिलवाना। हाँ, इसे मुर्गी खाने का बहुत शौक है। अरे सेठ चिल्ली, अरे इसे फेसबुक को तो ढक ले। बेटा एडमिन, अच्छे से नाश्ता कर लो बेटा। ठीक है सासू। बेटा पेन ड्राइव, मैं कपड़े देखे हूँ सूखे है या नहीं। अबे नमकीन तो लाई नहीं साली, इधर इधर से नहीं, इधर से साल जान संभाल छोड़ रहा है। अबे कितनी जीबी की है पेन ड्राइव? कितनी जीबी की है? यू पूरे 64 जीबी की है। जीजा जी और लाऊं या कोल्ड ड्रिंक और लाऊं? जीजा जी और लाऊं। हाँ लिया। चले जाने साली का वक्कल तार दूंगा। अरे साली बढ़िया तेरी। ठीक है लिया। क्या समझाया मैंने तू रस्ते में? समझता ही ना यार तू। अरे यहाँ ये ले जाओ, अंदर जाओ, रखो अंदर, निकाले। अरे शेख चुल्ली, मत खा इतना, मत खा, मान जा बात को। ठीक है ये। ओए एडमिन, एक बात बतला। हाँ। इन्हें कैसे बताती हम आने वाले? तेरी भाभी ना है ईमेल, उसने मेरी सासू माँ को पहले फोन कर दिया, इसलिए तो यहाँ नाश्ता तैयार मिला। तो जी मेरी ईमेल से काम कर रहा है भाई? एक बात सुन ले, मैं तो पूरे 36 के 36 अपने रसगुल्ले से भरूंगा, खाली हवा तू ही रख। मतलब जो समझाया भाई, मुझे कोई याद नहीं है, याद तू ही रख। बोला रसगुल्ले मैं खड़ी खड़ी देख रही, थाली का मारूंगा। अरे मान जा, आगे से ना लाने को। हाँ ठीक है, मत लाइए। ये थे भाई एक तो खा, बाकी मैं खाऊंगा सारे। और मैं ना खा रहा हूँ। ये वासिले साली, रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, थोड़े सही। मम्मी ने बनाए? मम्मी बनाती है। ठीक है, ओए तुम तो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती हो। यू 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 पेन ड्राइव बेटा, सारे के सारे रसगुल्ले खिला दिए। अरे ये तो शाम को मेहमानों के लिए रखे थे, सारे के सारे खा गए तुम। बेटा वे वासिले, वैसे तो नहीं करा रस्ते में, चार अंगल सब्जी, चार अंगल दाल, बाकी हवा ही हवा। अरे मैंने समझाया ना। मैं भेज करवा रहा तू, वैसे है कहते राम कुछ नहीं पी रहे, सारे भेज करवा दी हमारी बदतमीज सा। ऐसे एडमिन बहुत देखे हैं ना, कैसे जिंदगी में चलने का सुसार नहीं लाऊं। हां मेरी बेइज्जती जा रहा है, हराम जा रही है मुझे, दे छोड़ साइकिल, छोड़ अच्छा, चल इस पर मरोड़ दे रहा है, मेरा जुगाड़ में मर। सुब्रत से पहले सुब्रत का हलवा भी खा के नहीं मरा, नहीं मर गया मेरा वो, और सवा महीने पीछे मर जाता, शहीद की खीर खा के भी मर जाता थोड़े दिन बाद। चुप करो से। हाय अब्बू।
तेरा मुंह मारेगा, तू चुप होके दिखाइए, तू चुप होके दिखाइए साले। शेख जी तुम्हें पता है इतना रोने पर खुदा को बुरा लगता है, बुरा मान जाता है अल्लाह में। रोना बंद करो। प्रधान जी आप ही शेख जी को समझा दो, क्या पता आपके समझाने से चुप हो जाए। प्रधान जी बहुत बड़ी आवाज कह रहे हैं, चुप हो जा भाई। शेख चिल्ली चुप हो जा, दो तीन दिन से तुमने पूरा गांव डिस्टर्ब कर रखा है, जो पैदा होया है उसे मरना ही है, इसलिए भाई चुप हो जा। हाँ चुप हो जा भाई, चुप हो जा। शेख चिल्ली रोए मत, इंशाल्लाह तेरे अब्बू को जन्नत मिलेगी। क्या अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो मेरे अब्बू को जन्नत मिलेगी? हाँ एक बात सुन, तू चुप रही है, तेरा अब्बू जिंदा है ना? हाँ मेरा अब्बू जिंदा है, मैं भी दुआ करूंगा तेरे अब्बू को जन्नत जल्दी मिल जा। अरे शेख चिल्ली ज्यादा रोए मत ना। अरे वो जो मर जाता है, जो रोता जाता है, तो उसको मरने वालों को ना तकलीफ पहुंचते ज्यादा। ऐसा करती है, बस गलती कर रहा है इसका मतलब। इधर आ, इधर आ, इधर आ सारा बदतमीज है। तेरा बाप मरेगा, डीजे बजवाऊंगा, डीजे बजवाऊंगा, तेरा बाप मरेगा तो। भाई शेख चिल्ली एक न एक दिन जो पैदा हुआ उसे मरना ही है, कल को तू भी मरेगा। क्या प्रधान जी अभी तो हमारे अब्बू मरे, अभी ना भी मरवा दो, दो दिन बाद मुझे भी मरना है। पैदा सवार प्रधान जी, पैदा सवार प्रधान जी। हाँ चुप हो जा भाई। प्रधान जी राम राम। भाई राम राम, बस बढ़िया फर्स्ट क्लास है। हर वक्त वर्ल्ड में घूमता रहे, कभी गांव का पता नहीं लेकर आके। मैं तो इसीलिए गांव में पता लेने आया, पता लगा गांव में कुछ घटना घट गई है। चिल्ली का मर गया तीन दिन पहले और वो चुप ही नहीं हो रहा। एडमिन तू कोशिश करके देख ले। चलो ठीक है प्रधान जी, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अरे शेख चिल्ली, शेख चिल्ली अब आया सांड या सब कुछ लूट गया। देख जो आया है इस दुनिया में उसे जाना भी जरूर है एक दिन। बिल्कुल सभी जाएंगे एक दिन, और क्या दिक्कत है बता? दिक्कत सारी दिक्कत है एडविन भाई। भाई शेख चिल्ली भाई चुप हो जा, आ मेरी छाती से लग जा। रो मत मेरे भाई, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। तू बड़ा लाट साहब है, तू बड़ा लाट साहब है। मेरे मुन्ना मैं वर्ल्ड फेमस इंटरनेट किंग एडमिन हूँ। इधर बड़ा किंग है, चुप हो जा। इधर बड़ा किंग है, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट फेसबुक यूट्यूब सब मैं ही चलाता हूँ एडमिन भाई। हाँ मुझे अबू बने कोई दुख नहीं है, अबू बने का कोई दुख नहीं है, मुझे तो एक दुख है। किस बात का? मुझे एक बात का दुख है एडमिन भाई। हाँ मेरा अब्बू, हाँ मेरा अब्बू जर्मन शेफर्ड, जहाँ जर्मन शेफर्ड मिलते है नी, जर्मन शेफर्ड से घड़ी लाया, उधर गोल मार देगा। भाई शेख चिल्ली चिंता ना कर, इसे वर्ल्ड फेमस इंटरनेट किंग एडमिन ही एडमिन बांध देगा। तेरे अब्बू की आत्माओं को बहुत सारी शांति मिलेगी, वर्ल्ड फेमस एडमिन बांध रहा हूँ। एडमिन बांध ले तो भैया। अब क्या बात हुई? अब बात ये है एडमिन भाई, मेरा अबू घोड़े का बच्चा लाया, बहुत अच्छा, उस घोड़े पे गोले चढ़ेगा। भाई उस घोड़े के बच्चे को माल खिला पिला के वर्ल्ड फेमस इंटरनेट किंग एडमिन ही सवारी करेगा उस पे भी, वो भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। अब क्या आफत आई? एडमिन ने हाँ। मेरा अबू सतर मुंह खिलाया था, अब उसके लाखों के अंडे कौन खाएगा? भाई तू चिंता ना कर, हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, सतुर मुर्ग का अंडा भी हम ही खाएंगे। एडमिन ने अब क्या मुसीबत आई? अब बात बहुत बड़ी है।
बता दे रुकसाना, जो बात बड़ी है अब तू ही बता उसे पहले। सारी तो ये एडमिन भाईजान हमारी अब बुलाए से 16 साल की को भी आके एक दिन भी ना रहे, अब क्या करेगी ये? वे उस 16 साल की बेगम को भी हम ही रखेंगे। ले भाई हो गया ना, सिया भी गए बच्चे। चल ठीक है, पता नहीं ठीक है होगा शेख चिल्ली को। हम भी इस गाँव के जिम्मेदार आदमी है, कुछ फर्ज हमारा भी बनता है भाई, कुछ चीज लेने का। अब तू हाँ ठीक है प्रधान जी, हम भी जानते हैं आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं तो अब बेगम को लेकर निकलता हूँ। चला बेगम, खड़ी हो, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, निकल के जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, रांड चली जा, चली जा, जा, चली जा, निकल जा, निकल जा, जा, निकल जा, निकल जा, एडमिन रोड रोड खवा कर दिया जा, जा, ले जा, ले जा, ले जा, ठाक ले जा, ले जा, ठाक है, ले जा, बात करने, ले जा, मुझे सब समझाते तू किसका या? अबू तेरे माल पे टूट रहे हैं लोग। तुझे एडमिन ने बहुत समझा लिया, अब जो तेरी छोटी मोटी परेशानी हो उसे हमें बता, गांव का प्रधान होने के नाते। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। हाँ प्रधान जी, 1,00,000 रुपए का कर्जा था मेरे अब्बू पे, उसे कौन देगा? उसे हम देंगे भाई शेख चिल्ली। अबे यही उम्मीद थी तुमसे प्रधान जी? मुझे भी तेरे से यही उम्मीद थी भाई। अब वो अपनी खाला तो उठवा दी तेरे अपने फुप्पा एडमिन को, अब कर्जा भरेगा प्रधान। अपने अपने नसीब की बात है प्रधान, उसके नसीब में वो आ गया, तेरे नसीब में कर्जा आ गया। कोई बात नहीं, इस कर्जे को हम भरेंगे, इस गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। हाँ भाई, तुम दोनों भी मेरे बहुत सपोर्टर बनो हो। आधा कर्जा भरेगा तू और आधा भरेगा तू, मैं चला भाई शेख जी। ठीक है, और बाकी का देमा मैं कर दिया। जैसे क्या कैसे कर लूंगा मैं तो। अरे भाई सुनिए, ये तो हमारा पागल बना के प्रधान जी, तो आधा कर्जा तो तू दे देगा, आधा कर्जा मैं दे दूंगा, यू के फिर बैंगन देगा किसी को। एक बात सुन ले, प्रधान अभी कहेगा आधा तू देगा, आधा तू देगा, अरे साले जान से मार दूंगा तुम्हें। ठीक है शेख जी, दे देंगे। ठीक है, हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है। अबू तू मर तो गया पर अपने नोट को भी फायदे में कर गया, कम से कम गांव का कर्जा दे देंगे लोग। अम्मी का उसका क्या करता मैं, अरे जानता जैसे गया ये ठीक रहा। हाँ मुझे रोने को एक बार मुसीबत छोड़ दा। तू क्या करा, तू अपने घर चल। यार नहीं नहीं सिकल के। क्या बात है बेटा? अम्मी हाँ, वो शेख चिल्ली अब तक मेहमानों को लेकर क्यों नहीं आया? कहीं उस एडमिन के बच्चे ने भांजी तो नहीं मार दी? नहीं नहीं बेटा, अब की बार वो तुम्हारे रिश्ते में भांजी नहीं मारेगा। उसने मुझसे पक्का वादा किया है कि मैं अब की बार तुम्हारे रिश्ते में भांजी नहीं मारूंगा। कहीं उस एडमिन के बच्चे पर तुमने किसी मौलाना से तबीज गंडे तो नहीं करवा दिए अम्मी? अरे नहीं बेटा, मैंने कोई ताबीज करके नहीं पटाया उसे, मैंने तो देसी घी का बेसन का हलवा खिला के पटाया है। अब की बार तेरे रिश्ते में भांजी बिल्कुल नहीं मारेगा। अच्छा हाँ। लो वो आ गए। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठो 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 बाजी, बैठो बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अभी लोग आ गए। अब इनका चाय नाश्ता का बढ़िया था नाश्ता करवाओ। हाँ हाँ बेटा, जाओ मेहमानों के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक है अम्मी, मैं अभी ले आता हूँ नाश्ता। ले आओ। मुझे मार के भगोगे? अरे नहीं नहीं शेख भाई, वैसे नूरा बहन आपका लड़का काम तो कमा लेता है बस अच्छे पैसे। काम इनके यहाँ, इनके यहाँ 60 बीघे जमीन है। हाँ हाँ बीघे जमीन हमारे यहाँ 60 बीघे जमीन है। 60 बीघे? हाँ जी, हाँ जी। नाश्ता कर लियो।
जैसे आपकी मर्जी। निकालता हूँ गिलास। आप नाश्ता करो। ये लो ये लो। कितने जने हम? रुक दे रुक दे रुक दे यार। ठीक है भैया। जैसे बेटा मैं पढ़ाई कहाँ तक की है? हाँ अपनी पूछताछ कर लो पूरी। मैं तो बीए तक पढ़ा हूँ जी। लो खा लो। भाई भाई शेख जी मैं तो अब लूंगा नहीं। खाओ ना ना शेख जी। अरे एक तो खाओ, एक तो खाना पड़ेगा। खा के देख लो। खाओ 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 सटको। ये ले बाजी एक तो ही खा। नहीं बेटा मैं तो खा चुकी। खा ले इधर से खा ले, चौकाना खा ले, कूट का खा ले। भाई बहन जी खातिरदारी कर रहा ना कोई शेख चिल्ली से सीखा। हाँ जान ले जाता खिला खिला के मार देता कसम से। ये तो इसकी खासियत है। अच्छा मैं ये कह रहा था बहन, और कुछ पूछना लौंडे से पूछ लो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ शेख जी। बेटा नूरा। हाँ जी। ये बताओ हाथ का हुनर तो है ना तुम्हारे पास खेती बाड़ी के अलावा? हाँ जी है। हाँ जी। नहीं खेती बाड़ी के अलावा जिस हाथ के हुनर होते हैं बहुत सारे वो सब कर लेते हो बेटा? हाँ जी कर लूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बहन देखो हमारी इकलौती बेटी है, हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां भी जाए सुख चैन से रहे। अब शेख चिल्ले ने हमें रिश्ता बताया और हमें इस पे पूरा भरोसा है और हम चले आए। अरे एक बार इकलौती बता दो, इकलौती किसे कहें? इकली लड़कियां नहीं क्या इकली? अजी हम आपकी बेटी को हाथों पे रखेंगे। भी जब हम ब्याह देंगे उसे हाथों पे रखो, सर का ताज बनाओ। अजय बाजी हाथों पर क्यों रखोगी? वो कोई अपाज थोड़ी है। नहीं नहीं मेरा मतलब बहुत लाड प्यार। नो के लाड पे रखेंगे, हाथों पे रखेंगे, हाथों पे कहाँ अपाज है वो। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। मैं एक बात नहीं भाई साठ की जरूरत है, ना बता तेरी क्या जरूरत है? देख भाई से एक चिल्ली, मैं हूँ बिन बुलाए मेहमान और मैं कुछ बिगाड़ने ना आया हूँ तुम्हारा अन्ना बिगड़वाने, मैं तो शुभकामना देने आया हूँ। मैं शुभकामना दे मैं शुभकामना दे जब देगा जब तेरी शिकल सुबह मैं तेरे शिकल तुझे नाश्ते को बोला किसी ने? मतलब हमें भी जरूरत पूछने की। अच्छा ऐसा पीले पर नमकीन का हाथ मत लगाइयो। नमकीन तो मैं जरूर खाऊंगा थोड़ी सी। अरे भाई आप लोग नोक झोंक करते रहना। अब बेटा नूरा एक बात बताओ। हाँ जी। भाई देखो रिश्ता तो हम पक्का कर ही देंगे, रिश्ता पक्का होने के बाद मेरा मतलब शादी वगैरह होने के बाद हमारी बेटी का बोझ तो उठा सकोगे ना? हाँ जी मैं तो बहुत बारी गठड़ी ठा लूं, भौ को भी ठा लूं। तुम बोझ ठाने की बात कर रहे हो, यू ब्याती हुई भैंस का लवारा ठा लिया हुआ है, 12 पैसे मोटर खोल लिया हुआ है, बाजार में से दुकानों पर सामान ठा ले हुआ है, सब्जी वाले की सब्जी ठा ले हुआ है। अजी तो कैसी बात है, तो एडमिन की बात में विश्वास मत करो। भाई तू लौंडे को तुमने देख लिया, अपने सिक्का चढ़ाओ। हाँ भाई देखो शेख जी रिश्ते नाते की बातें कोई ऐसी जल्दबाजी में तो होती नहीं। तुम तो नाश्ता वापिस रख रहे हो, तुम तो घबरा गए यार। भाई सोच विचार तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, अब ऐसी तो एकाएक तो समझा करो। अजी नहीं इसकी तो मजाक करने की आदत है। अच्छा चलो तो फिर मजाक तो मैं थोड़ा बहुत ही कर। अरे दे प्लेट का समोसा तेरे मुंह पे मार दूंगा, थोड़ा बहुत करे। बुला समोसा मत खा, बस समोसा हराम का। देखो भाई और कोई पूछताछ करनी है पूछ लो, लौंडा तुम्हारे सामने बैठा, कल को मेरे पे बुराई ना दे दियो। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ तो बेटा नूरा एक बात बताओ। हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक की है तुम? मैंने जी बीए तक की है पढ़ाई। देखा बीए पढ़ा लड़का, कसम खुदा की कह रहा हूँ ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ईमानदार से तो सुंदर सुशील घबरू लड़का, और तुम नौचंदी के मेले में लाल टन लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं दिखेगा। और सुन 60 बीघा जमीन बीए पड़ा हुआ, गठड़ी भी सर पे। अच्छा सर पे धला हुआ घास की पटापट 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 चलता चला हुआ। कह रहा से एक चिल्ली बिल्कुल बीए पढ़ रहा, बीए का मतलब है बी का मतलब बाम, अरे का मतलब आम। उसके बाद इसने कटवा लिया था अपना नाम स्कूल से। क्यों रे एडमिन, तू मेरे बेटे की बुराई कर रहा है या बड़ाई कर रहा? अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ इसकी, बुराई क्यों करूंगा? मैं तो इसके अंदर जो हुनर है उन्हें निकाल के आगे रख रहा हूँ जिससे इसका रिश्ता पक्का हो। शेख चिल्ली भाई एक काम करते हैं, रिश्ता एक दो दिन में जवाब देते
अभी हम चलते हैं। वो एक बात सुनिए, मैं नाश्ता तो एकदम खा गया, नाश्ता तो ये कल खाऊंगा, एक दो दिन बताऊंगा। हैं, नाश्ता सटक गया तू? भाई देखो, देखो भाईजान, इसकी बेवकूफ मजीद है, बेवकूफ है ये तो, खान का हफ्सी है। अब ऐसा करो, एक रुपया दो लड़के को अपनाओ और अपने काम पक्का करो। लड़का तो पसंद है और हर तरह से ओके भी है, बस बीच में ना वो एडमिन है ना, वो तो अस्सी भांजी मार रहा है। दिक्कत की कोई बात नहीं है, भतीजे तू बात कर ले, बोल दे चाचा जी तैयार है। हाँ बेटा, अच्छा। एक बात सुन, रिश्ता अपना पक्का करके घर से निकल लो चाचा भाई से। बस तुम्हारे चक्कर में, रिश्ते के चक्कर में मेरा तो अपना घर का बिजली का टैक्स भरना भूल गया। अरे टैक्स से मुझे एक बात ध्यान आ गई, सरकार ने जमीन पे डबल टैक्स लगा दिया, अब साल में दो बार टैक्स भरना पड़ेगा। क्या दो बार लगातार भरना पड़ेगा सरकार का? ये तो सरासर जुर्म है जी। अरे नूरा, टैक्स के नाम पे तेरे तोते से क्यों उड़ गए? जमीन तो तेरे पे ना मेरे पे, हमें क्या टेंशन। शेख चिल्ली, तू तो कहता था इनके पास 60 बीघी जमीन है, इनके पास तो एक फुट भी जमीन नहीं है। तू इन भिखारियों के साथ हमारी हमारी बेटी की किस्मत फोड़ना चाहता था, हमें नहीं करता ये रिश्ता। अरे रिश्ता नहीं करना, निकलो। मैं निकलो, बेइज्जती मत क्या करो, मैं निकल जा। हैं, ये तो हराम का माल खा लिया तुमने। शेख जी ऐसी बातें मत क्या करो, हम हराम के समझ के खा के गए यहाँ पे। बस तो जब खा रहे थे उससे पहले कहते लड़का दिखाओ, तब समझ में आता मत खाते। फिर नहीं, लड़का तो समझ में आ गया, मगर ये भाई साहब जो भी है इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा। कंफ्यूज कर दिया, हम इसका कंफ्यूज काट देंगे साले का। तो इनके फ्यूज व्यूज उड़ा दो फिर हम, ताकि ढंग से बात कर सके। भाई बिन बुलाए तो मेहमान होने भी नहीं चाहिए। मैं तो इनके फ्यूज उड़ाने के चक्कर में हूँ। मैं इसकी तो बात में, इसके तो इसे इसे क्या कमी है, मैं इसके तो टावर चल रहे हैं, इसके तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में एडमिन के टावर चल रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक ईमेल जीमेल इसके तो ये चल रहे हैं। भाई देखो शेख जी, कुछ भी हो बेटी हम वहां भी आएंगे जहां देख करके सोच समझ अच्छे से देख करके तसल्ली कर लेंगे। भाई नहीं, आंखों देखी मक्खी तो हम सटक नहीं सकते। जा मक्खी निकल, उठ निकल, निकल निकल जा। अरे निकल रे, निकल निकल यार, बेइज्जती मत क्या करो, निकल ले, बेइज्जती नहीं उठा नहीं, निकल ले। बहन जी सब कुछ ठीक है, मगर ये आदमी ठीक नहीं है। अजी बैठे तो सही, निकल ले साले, के हिरन मार दूंगा, हिरन मार दूंगा थाने का इसका। अरे हराम खोरो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो हराम खोरो, मैं तो थारा रिश्ता पक्का करवाने के चक्कर में था। भाग एडमिन भाग, कत्ता भी समर जाना, मैं लोड़े का रिश्ता बना बना बिगाड़ दिया एडमिन के बच्चे। मैं तेरा वर्ल्ड में एडमिन चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब चल रही है, तो हमारे लोड़ा रिश्ता नहीं होते तो। पता नहीं एडमिन का बच्चा कहाँ से आ जावे, हर बार मेरे लोंडे का रिश्ता ना होने दे रहा, मेरे फुलवा जैसा लोंडा हर बार मन महसूस कर रह जावे। और तू क्या बैठे यहाँ, जा दूसरा रिश्ता देख के ला। अरे देख लूंगा, अरे बंद, अरे यार तुझे मार दिया, क्या कहने जाते, मैं बीए पढ़ाऊँ यार, तुझे डिग्री बता दिया, हम अपना डिग्री बता देते, अच्छा नहीं मैं अपना हाथ पे रखूंगी, हाथ पे कहूँगा आप आई जाए। और क्या कहती, पहले कहते हैं उसे लाड़ से रखेंगे, लाड़ से रखेंगे, काम तो तुम बिगाड़ो सारा, है ना। जा चला जा, और अब की बार ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाइयो जो भी रिश्ता पक्का ही करके जावे। एक बात इस एडमिन में ढंग बना ले, भटकना जा आज भी। इसका तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, एडमिन के बच्चे का। बस चुप हो जा, शेख चिल्ली ला रहा ना दूसरा रिश्ता, चल बैठ, चल समोसे खा तू। हाय अल्लाह, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है, इस लोंडे को कैसे समझाऊं। देख अगर तू नहीं सुधरा ना तो मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा, मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊंगी। क्यों छोड़ना पड़ेगा, ऐसे क्या कर दिया मैंने, अम्मी बोल बोल क्यों छोड़ना पड़ेगा तुझे गांव। देख अपने गांव की तो झेल लेती मैं, अब तो दूसरे गांव के भी लोग शिकायत ले लेके आने लगे हैं। दूसरे गांव का कौन आ गया? अरे तूने उनकी लड़की को शादी के लिए बोला, तू खुद तो पिटेगा ही
और हमें भी पिटवाएगा। अच्छा वो तो जान है, वो सही कह रहे थे। अम्मी वो लोग मुझे रास्ते मिले, वो बोले हमारी लड़की है, कोई रिश्ता हो तो बताओ। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा मेरे साथ कर दो, अम्मी को रोटी का सुख हो जाएगा और मेरी शादी हो जाएगी। देख बेटा, अगर तू किसी की लड़की के बारे में ऐसा बोलेगा तो वो तो तुझे पीटेगा ही। तुझे खाने कमाने की सोच। ठीक है अम्मी, जिसने शिकायत लगाई है ना, एक दिन अपनी लड़की की शादी मेरे से करेगा। ठीक है ठीक है, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, देख लिए तो अपने शेख चिल्ली की बात। हाँ बोले हाथी वाले बाबा की चले ला ये दे, ये ले बेटा, ये ले इसे दूध में मिला के पी लेना, तेरा काम बिल्कुल फिट। और ये ले बाबा, तू इसे पी लेना और तेरे फूल खूब होएंगे खेत में। हाँ ठीक है, जल्दी निकलो, चलो ओड़ो जाओ, निकलो और ग्राहक आने दो। भाई जूते तो ढक ले अपने, भाई निकल सांड, जल्दी निकल निकल, ढक ले जा सही। मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं ना, काम होएगा सेट जैसे होएगा देखा जाएगा। हाँ जी बाबा, मेरा भी दुख काट दो, मुझे भी दवाई दे दो, मेरे लिए भी कुछ करो। तो तुम्हें भी दुख कटवाना है? हाँ तो बैठो, हम सब काटेंगे, क्यों चले। हाँ सबका दुख काटते हैं हम, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बहुत दुखी? हाँ। है क्या कष्ट है? चले जी गुरुजी। इनकी बीमारी कागज पे लिखो। ठीक है गुरुजी। बोलिए जी क्या बीमारी है? पेट में दर्द है। अच्छा, और खांसी भी आती है। अच्छा, और भूख भी नहीं लगती। अच्छा जी, और गैस सी बनती है। अच्छा जी, और चलते हुए और चक्कर भी आते हैं। ठीक है गुरुजी, ये तो डॉक्टरी इलाज है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसे वापिस भेज दो। क्या डॉक्टर? इधर धंधा चौपट करवाएगी। हम सब इलाज करते हैं, हमारे पास से कोई बिना इलाज के नहीं जाता। आराम से बैठो, हम आपकी नवाज देख के पूरा इलाज बता देंगे, पूरी बीमारी बता देंगे। आओ कलाई दो। ये लो। तुम्हारे बहुत भयंकर बीमारी है, तुम्हारे गुर्दे फेल हैं। हाँ? तुम्हारी किडनी भी फेल है। हाँ? तुम्हारा लीवर फेल है, तुम्हारा पखाना सड़ा, तुम्हारी आते फेल है, तुम्हारा सब सिस्टम फेल है। आप ठीक कह रहे हो बाबा, आप बाबा हो या डॉक्टर हो? हम वही हैं। वो कौन? जो तुम्हें बतला रहे हैं तुम्हारा इलाज, मगर 50,000 रुपए खर्च होने हैं। हैं? 50? बाबा मेरे अब्बू तो गरीब हैं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। मरने की जरूरत नहीं है। मरना तो पड़ेगा, मेरे अब्बू के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी जान बचा लें। तुम ऐसे आदमी से शादी कर लो, तुम्हारा इलाज भी हो जाए और पैसे भी खर्च ना करने पड़े। मुझसे शादी कौन करेगा? शादी तो हमें भी करनी है, मगर तुम हमसे शादी करोगी नहीं। शादी इसी से कर लेती हूँ, मेरा इलाज तो करा ही देगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक तो हो जाऊंगी बाबा। हाथी वाले बाबा पे विश्वास करो। मैं तैयार हूँ बाबा, इलाज करो। ये लोग गोली सुबह शाम खाओ, ठीक है 2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ, लेकिन 2 दिन में शादी होनी चाहिए। बाबा बाबा, अब मैं 2 दिन ठीक तो रहूंगी, आराम कर लूं? हाँ आराम कर लो, अगर हो सके तो 2 दिन में शादी कर लियो। ठीक है बाबा, मैं चलूं? जाओ ठीक है, नमस्ते। ठीक है निकलो। चले जी गुरु जी। आजा चले, तू नाराज हो गया? मैं नाराज नहीं हूँ गुरु जी। ये लो, ये लो, आजा
साला ढोंग विद्या को देख लेगा। अरे तू यार ढूंढने को झेल। मैं आया। शादी भी तो करनी है ही, किसी और से नहीं बाबा से कर लेती हूँ। चल रही है बना अजय सन्ना। हाँ जी बोलो। ज्यादा परेशान सी लग रही है कुछ। बात क्या होती जी, मेरी तो जिंदगी खराब है। आने की देर नहीं हुई, ऊपर वाले का फरमान पहले आ गया। मुझे तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, रो मत रो, चुप चुप बताओ बताओ क्या बात होगी। तीजी मैं बाबा के पास गई थी, बाबा ने मेरा इलाज किया, बाबा ने बताया मेरी किडनी भी फेल, मेरी आंतें भी फेल और मेरा गुर्दे भी फेल है। एक बार बताओ तुमने चेकअप कराया कहीं? नहीं है? बाबा ने कहा चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, ये दवाई दी है, कहा और अगर मुझसे दो दिन में शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। अच्छा और खर्च कितना बताया? बाबा बोले 50,000 रुपए खर्चा होगा, या मुझसे शादी कर ले मैं उठा लूंगा खर्चा। फिर तुमने क्या कहा? कहती क्या, मैं तो कह आई कर लूंगी। क्या अब तुम ही बताओ, मेरी अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, और अगर ये बात मैं अब्बू को बताऊंगी तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं हाँ करी आई। यानी के तू उस बाबा से शादी करेगी इलाज के चक्कर में? तो और क्या करूं? उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, हमसे करो शादी। मगर इलाज? हम करेंगे इलाज में पैसा खर्च जितना भी होगा, मेरे साथ चलो नर्सिंग होम में तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। सच्ची शेख जी? बिल्कुल सच है शेख जी, तो मैं उस बाबा से शादी क्यों करूं? चलो मैं तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। चलो खाला, ओ खाला। अरे बेटा सलमान, क्या बात है बेटा? चिल्ली का है। अरे क्या बताऊं बेटा, कल मैंने उसे धमका दिया था और वो कल से ही घर नहीं आया। अरे तुझे कहीं मिले दिखाई दे तो बेटा उसे घर ले आना। ठीक है खाला, मुझे कहीं मिला तो मैं भी लेके आऊंगा उसको। ठीक है। अबू, अबू कहाँ चले गए? अबू यही हूँ बेटा। एक बात बता बेटा, बाबा की बात सही है या डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? अबू अगर डॉक्टर की बात सच निकली तो? अगर डॉक्टर की रिपोर्ट सही हुई तो उस बाबा की शादी तो मैं अच्छे ढंग से कराऊंगा। तू मुझे यूं बता, रिपोर्ट कब मिलेगी? आज ही मिलेगी अबू। और वो जो पैसे खर्च हो रहे नर्सिंग होम में वो कौन लगा रहा बेटा? अबू वो किनापुर का शेख चिल्ली है, कह रहा था पैसे मैं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू दवाई करा, तू बिल्कुल ठीक हो जा। रोजान तुझे पता कल हम चेकअप के लिए दे गए ना, ठीक रहे, अब रिपोर्ट बना दी होगी डॉक्टर ने। हमारे क्षेत्र का गोपाल नर्सिंग होम सबसे बढ़िया नर्सिंग होम है, रिपोर्ट तैयार कर ली होगी डॉक्टर ने, बड़ा डॉक्टर है। आजा आजा आजा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते, आइए। डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट आ गई हमारी? आ गई जी, आ गई। लीवर भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, गैस की थोड़ी परेशानी है, दूर हो जाएगी। मैं दवाई लिख देता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, ये दवाई दी थी बाबा ने? दो। बाबा ने दी दवाई? बाबा ने दी दवाई है? अच्छा बस ये तो भैंसों की दवाई है। भैंसों की? भैंस की? भैंस की? भैंस की। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप स्टोर से ले लेना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगी। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? 500 रुपए हो गए। 500 रुपए? ये लो 500 रुपए। टीचर लोग जाना, अगर तुम रिपोर्ट ले जाने चाहो तो ले जा सकते हो। हम क्या करेंगे इसका, जब सब कुछ ठीक है तो तुम्हें जेल ही दे दो। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, और जाना।
है? देखा और बाबा ने कहा भकाया तुझे, कुछ भी नहीं है तेरे, तब ठीक है देखते आ जल्दी आ जा आ जा आ जा। देख रोजाना बाबा ने क्या बताया तुझे। हाँ शेख जी, वो बाबा तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था और मुझे भैंस की दवाई दे दी। है? मैं अब्बू को फोन लगा के कहती हूँ। फोन मिला के बात कर। अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो अब्बू, मैं ठीक हूँ। वो बाबा तो बिल्कुल बदतमीज है, उसने तो मेरा पागल बना दिया। ठीक है बेटा, उसे घर बुला के उसका इलाज करता हूँ। अबू, सारा खर्च शेख चिल्ली ने उठाया इलाज का। ठीक है बेटा, मैं उससे ही शादी कर दूंगा तेरी। अबू, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा घर पे इलाज के बहाने। ठीक है। निकाल दो गुरुजी, परेशान हो गए। चेले जी गुरुजी, मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा सूट सिलवाऊंगा। आज तक तो कुछ दिलाया नहीं। अबे एक बार सुन, शादी हो जाने एक बार फिर देख मेरी मेहरबानी। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अबे चेले फोन आ गया। हेलो हेलो, कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ, रुक्साना का अब्बू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं यूँ कह रहा था, रुक्साना की शादी का दिन पक्का करना था, वो कब करें? जब आप चाहो। ठीक है, तो पहले मेरा इलाज करो, जब करवाऊंगा। हाँ ठीक है। पता बताओ। ठीक है, पाभी गांव आके किसी से भी रुक्साना का घर पूछ लेना। ठीक है बेटा, आ जा, मैं करवाऊंगा तेरी रुक्साना से शादी। ये सही काम बना जी। चले ऐसा करो, आज तुम जहां से फोन आया नहीं, वहां जाके ये दवाई दियाओ। जाओ जाओ। है गुरुजी आज मुझसे प्यार से बोल रहे और तुम करके बोल रहे हैं? क्या सोच रहे हो बच्चा? कुछ नहीं। ठीक है, मगर एक बात सुनो, शादी की पक्की बात करके जवाना है। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ बेटा, ठीक है। ये तो मजा आ गया। हाथी वाले बाबा की जय। हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। यही है रुक्साना जी, रुक्साना जी। शेख जी, जी आ जाओ। तुम्हें पता शेख जी, अब्बू ने ना है? बाबा को बुला रखा इलाज के बहाने से। ठीक है, हम भी देखते हैं। अब्बू तो पूरा इंतजाम करे बैठे हैं। ठीक है, चलो चलो। अब्बू देखो कौन आया है। कौन है बेटी? है वो ही अब्बू, वो ही शेख जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा तुमने तो मेरी बेटी की वो मदद की है जो कि अपना भी नहीं कर सकता। अजी अजी, ये तो मेरा लक्ष्य था। क्या? मेरा कहना मतलब मेरा फर्ज था, फर्ज था इंसानियत के नाते फर्ज था मेरा तो। अच्छा हाँ, फर्ज था। अरे बेटा आप कुछ खाने के लिए मिला इसके लिए? हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। बताओ कौन बीमार है? बीमार है मेरे अब्बू, और तुम तो बाबा नहीं हो, तुम तो अम्मा हो। वो मेरे गुरुजी है, मैं उनकी चेली हूँ। हाथी वाले बाबा की जय हो। ओहो तुम उसकी चेली हो। हाँ जी, ये लो दवाई बाबा जी ने भेजी है, खाओगे ठीक हो जाओगे, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस लड़की की शादी गुरुजी से 2 दिन में करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। वो कैसे बाबा? किडनी फेल, गुर्दे फेल, आते फेल। अगर इस लड़की की 2 दिन में शादी करो तो दवाई ले लो, नहीं तो मैं चली। दवाई?
मुझे तो वो बाबा चाहिए। रुखसाना पकड़िए इस बाबा की चेली को। ठीक है अब्बू। मार घुसन डिस्क है। इधर आ नहीं तू बड़ी नाम बन गई। नहीं ये ले ये ले अम्मा बनेगी बाबा अम्मा बन के हमारा पागल बनाओगे। ये ले ये ले रुखसाना को पागल बनाओगे। ये ले और ले अब्बू और मारो बस छोड़ दो बस छोड़ दो इधर क्यों मार रहे हो मासूम को बेचारी को। ये ले अम्मा बनेगी अम्मा बाबा का गलत बात कर रही है। मुझे माफ कर दो मैं तो बाबा की सेवक हूं। सेवा क्या तू बाबा की? अभी बाबा की सेवा करते हैं क्यों शेख जी? तू चल मैं आ रहा हूँ। क्या मेरा मतलब हमारे हमारे चलो हमारे चलो चलो सब चलो चलो अब्बू आओ 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 आओ। अरे शेख चिल्ली बेटा क्या बात हो गई और ये कौन है? ये अम्मी रुखसाना का अब्बू है। तुझे सारी बता दूंगा कुछ नहीं कुछ नहीं। चल 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 घर। बाबा कहीं गए हैं? बाबा कहीं गए होंगे। ठीक है ठीक है तुम यहीं खड़े हो मैं इससे पीछे बात करता हूँ। चेले तू मुझे माफ कर दे मैं तो रुखसाना को पाने के लिए ये सब कुछ करता था। तू कुछ मत बोलियो तू मुझे बचा ले मैं तुझे बचा लूंगा। शेख जी मैं तो तुम्हें पहले से जानती थी। क्या जानती थी? कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है चल 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 कुछ मत बोलियो चाहे कुछ भी हो जाए। बनाता हूँ तरकीब तुझे बचाता हूँ मैं बचूंगा। देखो वो बाबा तो इलाका छोड़कर भाग गया और ये पर्चा दे गया इसमें लिख रहा है कि मेरी चेली को माफ कर देना और रुखसाना की शादी शेख चिल्ली से कर देना। ठीक है मैं तैयार हूँ। ठीक है हम भी तैयार हैं। देखा अम्मी ये वही है वो पहचान वो ये इसके अब्बू है। जान गई बेटा जान गई अब मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी रुखसाना बेटा हाँ शेख जी देंगे। We'll be right back.
मुंह फेर के तो मेरा बढ़िया में दावत खानी हादसा के बाद ले बस चल ठीक है बीन बजा दे रही बीन बजाने की ना बीन बीन बजा बजा लहरा बजा